दोस्तों कंप्यूटर क्लास की हमारी ये पहली अध्याय है। इस अध्याय में हम जानेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है और साथ ही कंप्यूटर से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कंप्यूटर के इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस के बारे में, और साथ ही कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी कि कुल मिलाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है गणना, अतः कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये कंप्यूटर है ये गणना करने वाली मशीन है, ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों पर काम करता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा डाला जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा हम डाल रहे हैं तो वहाँ पे जो डाटा इनपुट होगा, यानी कि जो डाटा हम डालेंगे उसे हम इनपुट बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। और साथ ही दोस्तों, जब भी हम कोई डाटा को यहाँ पे डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले वो डाटा क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर के अंदर लिखा 2+2 इज इक्वल टू, प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा कि 2+2 आखिरकार होता कितना है, इसके बाद क्या है वो हमें आउटपुट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, इसके बाद हमें वो रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है। अब जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है मॉनिटर आउटपुट यूनिट है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्योंकि मॉनिटर हमें क्या करता है, ये हमें प्रेजेंटेशन करवाता है, यानी कि हमें ये विजुअल करवाता है जो भी आउटपुट होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट या फिर आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा दोस्तों बगल में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डब्बा सा बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं सीपीयू। और साथ ही दोस्तों ये जो डब्बा है, ये डब्बा को हम क्या बोलेंगे, कैबिनेट। लेकिन डब्बा के अंदर जो हमारा हार्डवेयर लगा हुआ होता है, कुल हार्डवेयर मिला करके यहाँ पे एक सीपीयू तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा दोस्तों साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, यानी कि दोस्तों कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जो भी डाटा डालेंगे कीबोर्ड पे वो सारे डाटा क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर एक्सेस करेंगे और साथ ही प्रोसेस करने के बाद आउटपुट कराता है। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे माउस दी गई है जो कि इनपुट डिवाइस है, यानी कि दोस्तों माउस से हम नेविगेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे इनपुट डिवाइस बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक सी जानकारी लेनी है, जैसा कि कंप्यूटर के पिता कौन है। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं, और साथ ही इनका जो जन्म हुआ था वो 1791 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 1822 ईस्वी में पहला मैकेनिक कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग यानी कि कंप्यूटर बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर के बारे में बताया गया है कि यह एक आउटपुट उपकरण है, यह देखने में टीवी जैसा होता है, यूजर द्वारा दिए गए डाटा का परिणाम को प्रदर्शित करता है और फिर आपको दिखाता है। सीपीयू पर जो काम करते हैं वो सब मॉनिटर पर दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो क्या करता है, मॉनिटर का काम होता है कि उसे सामने वाले व्यक्तियों को, यानी कि जो भी कंप्यूटर चला रहे हैं ऑपरेटर, उनको प्रेजेंट करवाना कि आप क्या कर रहे हैं या फिर क्या कमांड आप दे रहे हैं सीपीयू को। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो मॉनिटर होता है वो होता है सीआरटी मॉनिटर, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो मॉनिटर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि पहले क्या होता था लगभग 2006-07 में, और अभी के भी ज़माने में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ इस प्रकार के टीवी का उपयोग करते हैं मनोरंजन पर्पज़ से। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कैथोड रे ट्यूब होता किस प्रकार से है। तो दोस्तों कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो कुछ टॉर्च के जैसा होता है, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है पहले के ज़माने में जो टीवी आता था बड़ा सा, एकदम से डम सा होता था, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से कैथोड रे ट्यूब लगा हुआ होता था टॉर्च के जैसा, और इसी कैथोड रे ट्यूब से हमें रिप्रेजेंट करवाता था। इसके अलावा दोस्तों दो नंबर पे है एलसीडी मॉनिटर, यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जैसा कि अभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इसका पिक्चर देख पा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों मैं इसे आपको बता देता हूँ, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलसीडी मॉनिटर होता है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर, ये क्या करता है, जैसा कि मान लीजिए आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे, कुछ इस प्रकार से दबाएंगे, तो उसमें एक इंक सा फॉलो होगा, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ।
यहाँ पे शायद आप देख पा रहे होंगे ये डिस्प्ले है, लेकिन इसे हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा शायद आपको दिख रहा होगा लिक्विड सा यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे जो डिस्प्ले बनते हैं वो कुछ परत सा बनता है, यानी कि लेयर लगा करके यहाँ पे इसे बनाया जाता है, जिस प्रकार से हमें मोबाइल फ़ोन में बना करके दिया जाता है एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो इसका यानी कि एलसीडी का जो डिस्प्ले होता है वो एकदम से लिक्विड की तरह आपको दिखेगा जैसे ही आप उसे हल्का प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों तीन नंबर पे है एलईडी मॉनिटर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों बैकग्राउंड में क्या होता है कि एक लाइट सा लगा हुआ होता है और वो लाइट क्या करता है डिस्प्ले पे हमें डायरेक्ट फोकस करके हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे तीनों हमने देख लिया मॉनिटर के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा दी गई गणना इसी भाग में संग्रहित होती है और साथ ही सीपीयू के तीन भाग होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का जो ये सीपीयू होता है ये एकदम से मुख्य भाग होता है। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर कोई काम का ही नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के जो कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं वो सारे सबसे पहले सीपीयू के अंदर होंगे, इसके बाद ही मॉनिटर हमें रिप्रेजेंट करवाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीपीयू के तीनों भागों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, ये बताता है कि यह सीपीयू का वह भाग है जिसमें डाटा अथवा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू का वह भाग है जिसमें डाटा अथवा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दो नंबर पे है ALU, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और साथ ही दोस्तों इसका जो काम है, यह भाग में सभी प्रकार के गणना एवं तुलना के कार्य किए जाते हैं, जैसे जोड़ना घटाना भाग देना आदि इस भाग में किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो इसका भाग है वो है कंट्रोल यूनिट। और साथ ही दोस्तों इसका क्या काम होता है, तो यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्र के समान कार्य करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य करने का निर्देश देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि आप ये काम करें और ये काम करें। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में हम जानेंगे। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। आज के समय में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड को निम्न भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड जो है इसको निम्न भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि शायद आपको दिख रहा होगा, ये जो है कीबोर्ड है, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये जो है कीबोर्ड है जो कि अभी के ज़माने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हम किस भाग को क्या बोलेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्यू से लेकर के और यहाँ पे यानी कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी यहाँ पे की दी गई है ये सारे अल्फाबेटिकल की हैं। और साथ ही इसके ऊपर जो की देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा न्यूमेरिकल की। इसके अलावा दोस्तों न्यूमेरिकल की एक और यहाँ पे दिया जाता है एक और सेक्शन में, जो कि कैलकुलेटिंग एरिया भी इसे हम बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस का यहाँ पे सिंबल दिया गया है और साथ ही 1 2 3 4 यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो की आप देख पा रहे हैं F1 से F10 तक, ये है फंक्शनल की। जी हाँ दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर वाले बटन को इसे हम बोलेंगे फंक्शनल की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नीचे में एरो का साइन बना हुआ है, जैसा कि शायद आपको दिख पा रहा होगा, ये है नेविगेशन की। इससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को दाएं बाएं यानी कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, अगर हमें उस सॉफ्टवेयर में या फिर उस काम में दाएं बाएं करनी हो किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, नेविगेशन का उपयोग करेंगे। अप डाउन और लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसका यूज हम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे में जो दी गई है कंट्रोल और साथ ही यहाँ पे अल्ट, इसके अलावा विंडो की यानी कि स्टार्ट की जिसे बोलते हैं, ये एक स्पेशल की है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे शॉर्टकट का उपयोग हम जब करेंगे, जब हमें कंट्रोल और अल्ट के साथ कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो शॉर्टकट की यहाँ पे अप्लाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्पेशल की दी गई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कीबोर्ड को आपको समझना है कि कीबोर्ड के किस भाग को क्या कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम माउस के बारे में जानेंगे। माउस जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। जिस प्रकार से कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है उसी प्रकार से माउस भी इनपुट डिवाइस है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
माउस कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के लगभग 3 बटन यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड वाले जो बटन है, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को, यानी कि लेफ्ट साइड वाले बटन से किसी भी फाइल को ओपन या फिर सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या फिर अनेकों काम के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो कि हम आगे वाली क्लास में हम देखेंगे। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो उस समय इसका उपयोग करना बिल्कुल बारीकी से सीख जाएंगे। और साथ ही दोस्तों बीच वाला जो है, ये जो घुमाने वाला है गोल सा आपको दिखेगा, ये स्क्रॉल बटन है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कंप्यूटर पे लाइव दिखा देता हूँ, इससे क्या होता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक फाइल यहाँ पे खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर नीचे ये होगा। ये क्या होता है, ऊपर नीचे होता है इस स्क्रॉल बटन से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड वाला जो बटन है, यानी कि दाहिने साइड वाला बटन, इससे क्या होता है कि जब भी हमें कोई ऑप्शन का प्रॉपर्टीज़, या फिर जैसे मान लीजिए कोई ऐसी फाइल है जैसे कि हम कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और उस समय क्या होता है कि अगर हमें फ़ोटो अपलोड करनी होती है 20 MB का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड वाले बटन को, और क्लिक करते ही वहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि पिक्चर का साइज कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके ऑप्शन में जाने के लिए, यानी कि पार्टिकुलर फाइल के प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम यहाँ से देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाले बटन से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर क्या होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जिससे मिलकर कंप्यूटर बनता है, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स मिलकर के क्या बनते हैं, कंप्यूटर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे वो सारे क्या हैं, तो हार्डवेयर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, और साथ ही माउस भी एक हार्डवेयर है। इसके अलावा दोस्तों सीपीयू के अंदर जैसे मान लीजिए SSD, हार्ड डिस्क, या फिर मदरबोर्ड, इसके अलावा दोस्तों SMPS, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के ये सारे चीज़ें जब हम CPU के अंदर लगाएंगे, तब हमारा एक CPU कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कुछ हार्डवेयर मिलकर के यहाँ पे कंप्यूटर तैयार होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दो नंबर पे। अब दोस्तों कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन है। कंप्यूटर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए हमें आदेश देना पड़ता है, और आदेशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, जो कि प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप मान लीजिए मार्केट गए और वहाँ से एक मोबाइल परचेज करके लाए, तो जिस समय आप मार्केट से मोबाइल को परचेज करके लाते हैं खरीद करके, तो उस समय क्या होता है कि मोबाइल में ना तो व्हाट्सएप और ना ही टेलीग्राम और ना ही फेसबुक वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। जब भी हमें फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर काम करनी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल का प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे व्हाट्सएप फेसबुक का। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, या फिर टैली वगैरह, यहाँ पे जब तक हम डाउनलोड नहीं करेंगे, जब तक कंप्यूटर मृत माना जाएगा। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हमें काम करनी होती है, उस काम से रिलेटेड, उस काम के प्रति एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाई गई है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यहाँ पे हम काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया कंप्यूटर फर्मवेयर, यानी कि दोस्तों ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के रूप में रोम में संग्रहित किए जाते हैं, कंप्यूटर फर्मवेयर कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बायोस प्रोग्राम या कंप्यूटर बूटिंग ETC। यानी कि दोस्तों जैसे मान लीजिए आप जो मोबाइल परचेज करके लाए हैं मार्केट से, उसमें क्या है कि एक प्रोग्रामिंग किया गया है कि आप जिस प्रकार से उसमें कमांड मारेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो वहाँ पे वो प्रोग्रामिंग किया हुआ है जो कि आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, कंप्यूटर फर्मवेयर एक जो है प्रोग्रामिंग है, जो कि प्रोग्राम करके बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है जब हम सिस्टम को परचेज करते हैं या फिर मोबाइल को परचेज करते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों आज का जो ये क्लास था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, या फिर अगर मान लिया जाए तो कंप्यूटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों आगे जो हम जानेंगे, वो जानेंगे MS Notepad के बारे में, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के पहले क्लास होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही इस प्रकार के नए अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब